अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों की प्रतिदिन सम्मान करने से, आदर करने से उस इंसान की, उस व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेसिक कोर्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल टॉपिक के अंतर्गत दो बहुत ही बेहतरीन डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन। आपके सामने स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग एक एक क्वेश्चन बारी बारी से करेंगे और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है जिसमें कि सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्कस किए गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो वहां जाकर के उस टॉपिक को आप देख सकते हैं। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, आईएससी मैथमेटिक्स खोजिए या तो फिर प्रॉपर्टी जब डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों टॉपिक में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरी सेशन जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, स्किप नहीं करेंगे, स्क्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है तो पूरा वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको रियल में कुछ फायदा होगा तो आप इस सेशन आप देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिन्हें आप सोचते हैं कि उनको बेनिफिट हो सकता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल विजन बेसिक कोर्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये है आपके पास पहला क्वेश्चन और इसको मैं एक बार देख लेता हूं। कैमरा वगैरह सब चल रहा है ना? हाँ, सब चल रहा है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन को हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं और लिमिट है आपका 0 to π/2 और न्यूमरेटर में है cos x माइनस sin x और डिनोमिनेटर में है 1 plus sin x इंटू cos x और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आपका x है, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूं। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूं कि जहां जहां x है वहां मैं लिखने वाला हूं π/2 माइनस x, मतलब x को मैं रिप्लेस करने वाला हूं π/2 माइनस x से न्यूमरेटर में भी और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में भी। जहां जहां x है उसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं π/2 माइनस x से, लेकिन ध्यान ये देना है कि d के साथ जो x लगा है उसे आप रिप्लेस नहीं करेंगे। ये बच्चों का जनरल प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं। जब भी आप प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, एक्चुअली मैं यहां पे लगाने वाला हूं या लगा चुका हूं 0 to a f(x) dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 0 to a f(a−x) dx। तो हमें x में कुछ नहीं करना है, केवल इंटीग्रेंड में जहां पे x है उसके जगह पे हमें a−x लिखना है। a की जगह पे क्या है, π/2 है। अब जरा देखिए cos 90 − x साइन एक्स हो जाएगा, sin 90 − x तो cos x हो जाएगा, डेनोमिनेटर में भी sin 90 − x ये cos x, cos 90 − x साइन एक्स और ये आपका dx। ये देखिए, ये देखिए डेनोमिनेटर वही है जो यहां है, न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x, यहां sin x माइनस cos x है, तो इसे अब लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 0 to π
5/2 और यहां आपका हो जाएगा न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस cos x इंटू sin x और ये dx। ठीक, जो ये है वही तो यहां पे है और लेफ्ट हैंड साइड आपका i है। तो इस तरीके से i बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस i हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2i = 0, 2 कांस्टेंट और 2 और i का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, मतलब i क्या होगा, 0 होगा बाय 0 प्रोडक्ट रूल, या फिर 2 को आप इधर ले जाइए तो यहां मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 0 टू पाई बाई 2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। और यह जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको याद भी रखना चाहिए, आपको याद भी रखना चाहिए कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चंस है 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 0 आएगी, क्या आएगी, तो 0 आएगी। चलिए मैं सारा कलर का इस्तेमाल करके इसको एनक्लोज कर दे रहा हूं बॉक्स के अंतर्गत। तो ये हो गया आपका ब्लू कलर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं। तो हम लोगों ने ये देखा कि पहला वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसे हमें याद भी रखना चाहिए, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो गिवन इंटीग्रल को हम आई ले रहे हैं 0 टू पाई और ये है आपका x अपॉन 1 प्लस साइन x और ये dx, मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट है। इसी प्रॉपर्टीज को यहां पे हम अप्लाई कर देते हैं, तो जहां जहां x है वहां हम a माइनस x लगा ले, ठीक। एफ एक्स के रूप में हमारे पास क्या है, x अपॉन 1 प्लस साइन x। तो 0 टू पाई, 0 टू पाई और ये आपका ये है, x के जगह पे हमें क्या रखना है, पाई माइनस x, x के जगह पे हमें क्या रखनी है, तो पाई माइनस x रखना है, लेकिन d के साथ जो x लगा है उसमें नहीं। जनरली बच्चों की समस्या आती है कि सर x को रिप्लेस करेंगे तो यहां भी करेंगे, तो नहीं, केवल dx के साथ जो है आपका इंटीग्रेट उसमें ऐसा करेंगे, वो भी x वाले टर्म में, ठीक। जैसे यहां 1 है तो इससे आप कोई इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, केवल जहां जहां x है वहां आप पाई माइनस x लिखेंगे dx को छोड़ करके। आप देखिए यहां पे हमने क्या लगाया, तो ये लगाया, इस प्रॉपर्टीज को लगाया है डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक। 0 टू पाई और 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, आपका साइन एक्स हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक। अब मैं 1 और 2 को प्लस करने वाला हूं,
तो बच्चों जब भी आप दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो आपको समस्या तब भी आती है, क्या करें, केवल राइट को करें कि केवल लेफ्ट को करें। दो इक्वेशन को जब भी हमें दो इक्वेशन प्लस करना है, जब कभी भी हमें दो इक्वेशन को प्लस करना है तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ आई और आई, तो ये आपका हो जाएगा 2i हो जाएगा। राइट को राइट के साथ, तो जब भी आपको दो इंटीग्रेशन को प्लस करना होगा तो आप लिमिट देखिए पहले, 0 to π यहां भी है, 0 to π यहां भी है, तो आप कॉमन लिमिट लिख दीजिए जो भी है। अब इंटीग्रेंड को प्लस करिए, इंटीग्रेंड यहां पे क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस आई एक्स, यहां क्या है पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो हम देख रहे हैं कि वन प्लस साइन एक्स दोनों इंटीग्रेंड में आपका डिनोमिनेटर के रूप में है, न्यूमिनेटर में एक्स, यहां से क्या होगा, यहां से होगा आपका पाई माइनस एक्स, और डीएक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, 2i = 0 to π अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपका डीएक्स। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरा ऑन है कि नहीं और वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है जैसा मैं चाह रहा था, विजिबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब देखिए यहां पे पाई क्या है, तो कांस्टेंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2i = अब पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो 0 to π 1 upon 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपका डीएक्स। ठीक, अब यहां पे न्यू इंटीग्रेंट कितना है, 1 upon 1 प्लस साइन एक्स है, तो एक रिजल्ट होता है, प्रॉपर्टीज होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, 0 to 2a एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू टू टाइम्स 0 to a एफ एक्स डीएक्स। लेकिन ये कब होता है, ये तब होता है जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आपका एफ एक्स के बराबर होगा। हमारे केस में 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो x जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस एक्स से, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स को हम 1 upon 1 प्लस साइन एक्स ले ले तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स भी 1 upon 1 प्लस साइन एक्स ही होगा, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो जाएगी, तो फिर ये फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा। तो ये देखिए 2i जो यहां से मिलेगा आपका, ये 2 मैं इस 2 के साथ लिख लिया। अब यहां पे 2a जो है पाई है, तो a क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, और एफ एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब ये 2 कैंसिल, तो हमें i = क्या मिल जाएगा, पाई 0 to π/2। अच्छा, मैं इसी रिजल्ट को दोबारा लगा रहा हूं, 0 to a fx dx = 0 to a f of a - x, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस पाई की बात नहीं कर रहा हूं। तो 1 upon 1 प्लस x को हमको रिप्लेस करना है π/2 माइनस x से करना है। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस एक्स है यहां, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/1 प्लस कॉस एक्स, और ये आपका डीएक्स। ठीक,
तो वन प्लस cos x क्या होता है, टू cos square x by 2, तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई by 2 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं देख लूं कि अच्छे से, हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं एक लाइन नीचे लिख सकता हूं? चलिए, डाउट लग रहा है तो फिर मैं थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूं और स्पेस बना करके मैं यहां पे लिख लेता हूं। हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। डाउट तो ऐसा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कैमरे के रेंज में ये सभी रिटन मैटर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपका हो जाएगा आई, आई जो है ये पाई तो है ही आपके पास और ये 0 टू पाई बाई टू और यहां हो जाएगा 1/2 वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये डी एक्स। ठीक, अगर आप ध्यान देंगे तो इसका इंटीग्रेशन tan x by 2 हो जाएगा। देखिए tan x by 2 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x by 2 और x का जो कोफिशिएंट 1/2 इनटू में हो जाएगा, मतलब tan x by 2 का डिफरेंशिएशन यहां हम मौजूद है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक, और चूंकि यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है इसलिए मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि जब लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका पाई बाई टू और ये जीरो। ठीक, x के जगह पे पाई बाई टू रखना है तो ये हो जाएगा आपका tan, x के जगह पे पाई बाई टू रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई फोर हो जाएगा माइनस tan जीरो। ठीक, अब देखिए tan 45 क्या होता है, 1 होता है, tan जीरो जीरो होता है, तो इस तरीके से आंसर क्या आ गया, तो पाई आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में ये दो डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए केवल ये दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है और ये दोनों प्रॉपर्टी जब डेफिनेट इंटीग्रल्स में से ही है। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।